Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purposes. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हॉरिजन साइंटिस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेम्पर्ड बोर्ड आया है जो कि मुझे फ्री में मिला है। यदि अगर ये रिपेयर हो जाता है तो पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसा ही पैसा। तो देखिए पूरा आयो जो है आप दूर से देख सकते हैं कि ये जला हुआ लग रहा है, ठीक है, और फुल्ली टेम्पर्ड एकदम। तो चलिए मैं इसको एक बार माइक्रोस्कोप में देख लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये बार्न एरिया है, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, ये जो है पहले हम आयो को बदल के देखेंगे, ठीक है। और अभी क्या है, जब हम लोड दे रहे तो बहुत ज़्यादा लोड दिखा रहे हैं और ये कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो है हमारा लोड बहुत ज़्यादा ले चुके हैं। और मैं आपको स्टेप डाउन आईसी जो है उसको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये तुरंत सूख जाएंगे। देखिए तो हम इसको खोल देते हैं, रिस्क नहीं उठाएंगे, आयो को निकाल देंगे। हीट 440 और एयर 120 लीटर पर मिनट। फुल्ली ड्राई है क्योंकि ये एक दो बार घुमाने से ही उड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर फ्रेश आयो रहता है तो ऐसे दो तीन बार चार बार घुमाने से इसमें ये क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो अभी हम जुगाड़ लगाएंगे क्योंकि फ्री बोर्ड है, फ्री में रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सरफेस आप देख रहे हैं इसको क्लीन करना होगा, इसके लिए डिसोल्डरिंग विक लगेगा और थोड़ा सा फ्लक्स। अब ऐड करेंगे फ्लक्स। आप इसमें डबल सोल्डरिंग भी कर सकते हैं तो आसानी से निकल जाते हैं।
सरफेस क्लीन हो चुका है, थोड़ा बहुत यहाँ पे लगा हुआ है और थोड़ा सा इस साइड में, लेकिन बहुत क्लीन हो चुका है। तो थोड़ा सा और एक बार ट्राई करेंगे और इसको दूसरा जो है आयो इसमें लगा देंगे। अब हम जंक यार्ड के एक बोर्ड ले लेंगे, सेम नंबर का है। एट एट फाइव PA, ये भी 885 PA ही है। थोड़ा हीट जो है इंक्रीज किया हमने, 455 किया, क्योंकि ये भी बहुत दिनों से जंक में पड़ा हुआ था। एक नंबर पिन, सेट हो गया।
एक साइड मैंने कर लिया, बाकी साइड करेंगे। यहाँ पे लगा दिया ताकि ये ना हिले और दूसरी जगह ना भाग जाए। तो फिर दोबारा रीसोल्डरिंग करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं कर लेता हूँ। अब हम इसको फाइनल सोल्डरिंग करेंगे। जो आप लोग वीडियो में देखते हैं मैक्सिमम लोगों का सोल्डरिंग का, तो उसमें बहुत कुछ रहता है जो कि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग तरीका अप्लाई किया जाता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता है, पुराना आयो लगा रहे तो दूसरा तरीका, नया अगर लगा रहे तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। इस तरीके से तो देखिए, अभी मैं एक बार सोल्डरिंग कर लिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, जस्ट रेजिन में ऐसे करके आयरन को रखेंगे और इस तरीके से इसको खींच के नीचे की तरफ लेके आएंगे। अगर तसल्ली नहीं हुआ तो दोबारा कर सकते हैं इसको। जो मैं लास्ट में कर रहा हूँ यही आप लोगों को दिखने को मिलता है, बाकी जो पहले गड़बड़ गड़बड़ कर देते वो नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, उस टाइप का पॉसिबल है अगर आपका आयो नया है तब। अब खाली सिंगल एक साइड बचा है, हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है इसको नहीं देखेंगे, स्किप कर जाएंगे। मुझे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें टाइम लगेंगे अपलोड होने में, वेरीफाई होने में, लेकिन तब भी मैं डालता हूँ ताकि लोगों को दिखाई दे। मतलब सबके अंदर अगर एक दो लोग भी देखेंगे तो उनको फायदा होगा।
तो अभी जो है हम इसको चेक करेंगे। देखिए चालू हो चुका है, आयो लगाते ही ये ऑन हो चुका है, लेकिन पता नहीं अभी डिस्प्ले वगैरह है कि नहीं है। देखिए रन कर चुका है और लोड भी लगभग लगभग 1 एम्पेयर के करीब ले लिए हैं, देख सकते हैं 0.84। तो अभी हम चेक करेंगे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ देख सकते हैं, और कीबोर्ड का वायर भी देख लीजिए, ओके। तो फ्री में फ्री का लैपटॉप रिपेयर मैंने कर दिया, ऑफ कर दिया अभी। अभी और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तब भी हम VGA केबल लगा के देख सकते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके साथ तो और कुछ नहीं है और खाली रैम लगा हुआ है। देखते हैं कि कितना GB का है, TB। ओके एक ही स्लॉट है, तो हम इसको 4GB लगा के सेल कर सकते हैं मार्केट में आराम से, ठीक है। तो चलिए VGA केबल जो है लगा दे, उसके बाद इसको चेक करेंगे। ये ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है, CMOS का सेल नहीं लगा इसीलिए। दोबारा ऑन हो जाएंगे, मेरा जो सिस्टम का VGA केबल है वो लगा दिया मैंने। देखिए इसी से ही चल रहा है, मैं इसको ऑल्ट कंट्रोल डेल दबाता हूँ। देखिए सो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन एंड अगेन, जय हिंद, वंदे मातरम।